विद्यार्थियों, अब मैं आपको हिंदी पठन प्रणाली के बारे में प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ। मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था उससे हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी पठन प्रणाली के आधारभूत तीन स्तंभ बताए गए हैं, जिनमें पहला स्तंभ कहलाता है सरल रेखा। सरल रेखा के अंतर्गत आपको चार चिन्ह दर्शाए गए हैं। उन चार चिन्हों में चार चिन्हों को अगर हम हल्का कर देंगे तो उनका अर्थ अलग होगा, और यदि इन्हीं संकेतों को हम गहरा कर देंगे तो इनका अलग अर्थ होगा। डायग्राम के अनुसार जैसे कह लिखा मैंने, इसको हल्का किया तो ये कह कहलाएगा, और यदि इसी संकेत को अगर मैं गहरा करूँगा तो ये तय कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये रे मैंने लिखा है, ये अगर हल्का है तो रे कहलाएगा, और यदि गहरा है तो ज न कहलाएगा। इसी प्रकार यदि इस संकेत को अगर मैं 90 डिग्री के कोण के अनुसार दूंगा तो ये तय कहलाएगा, इसी को गहरा करूँगा तो ये गह कहलाएगा। अगर मान लीजिए 120 कोण के अनुसार अगर इसको मैं हल्का करूँगा तो पै कहलाएगा, इसी को गहरा करूँगा तो ये जय कहलाएगा। अब मैं आपको वक्र रेखा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वक्र रेखा के अनुसार अगर ये ऊपर वाला चिन्ह है, इसको अगर मैं हल्का करूँगा तो ये पै कहलाएगा, इसी को अगर मैं गहरा करूँगा तो ये तय कहलाएगा, इसी को नीचे जो संकेत है इसमें अगर हल्का कर दूंगा तो तय कहलाएगा, इसी को गहरा कर दूंगा तो ये ले कहलाएगा। अब मैं आपको आपके सामने आंकड़े के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो हिंदी संकेत लिपि का तीसरा आधारभूत स्तंभ है। इस डायग्राम की तरह आप देखेंगे तो ऊपर वाले डायग्राम में अगर इसको हल्का कर दूंगा संकेत को तो ये सह कहलाएगा, इसी संकेत को अगर मैं गहरा कर दूंगा तो है कहलाएगा, इसी संकेत को ये इस वाला संकेत है अगर मैं हल्का कर दूंगा तो मैं कहलाएगा, इसी को अगर गहरा कर दूंगा तो चय कहलाएगा। और ये जो संकेत है, इस संकेत में अगर ये हल्का कर दूंगा तो यह कहलाएगा, इसी को अगर गहरा कर दूंगा तो ये चय न कहलाएगा। इस प्रकार हिंदी संकेत लिपि में 19 व्यंजन माने गए हैं। जो प है, जो नीचे आपको तीसरे आंकड़े के एंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके हल्का है यू के बराबर। अगर ये हल्का हो ये हल्का ही रहेगा, क्योंकि आगे जाके ये गहरा भी हो सकता है, इसलिए इसको अभी हम हल्का मान रहे हैं। अब अगर मान ये बुंदी संकेत चिन्ह है, इन संकेतों ये संकेत हमेशा पंक्ति पर बने रहेंगे, पंक्ति के नीचे इन संकेतों को नहीं रखा जाएगा। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए। यदि आप निरंतर मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इस प्रणाली में दक्ष हो सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है।